पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के अभिभावक आदरणीय वशिष्ठ भाई, मंच पर उपस्थित हमारे साथी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय पूर्व मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री संजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित आप सभी साथी, भगवान सिंह जी बीच में चले गए थे कुछ दिन, आज फिर से वो इस पार्टी के जनता दल यू परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हुए। मैं तहे दिल से और हृदय से इस पार्टी के अंदर उनका स्वागत करता हूँ। भगवान सिंह जी रहे हैं, लंबे समय तक हम सबों के साथी रहे, संघर्ष के साथी रहे, भावनावश कहीं चले गए थे और अब फिर से घर में होता है, घर में लोग कुछ दिन के लिए रूस उसके कहीं चले जाते हैं, बैग उगले के बाहर घूम के 4-5 महीना फिर घर वापस आते हैं, इसलिए आज भगवान सिंह जी का पूरा पुनः घर वापसी हुआ है, इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन अब भगवान सिंह जी कहते हैं कि अब रूसिए उसी घर में, अब रूसिएगा मत, इस पार्टी को अपना पार्टी समझ के इस पार्टी के अंदर जो भी संभव है उसमें योगदान करने का काम कीजिए, नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का। हम सबको मिलके, भाई उपेंद्र जी हैं, अभी वो कह रहे थे कि बहुत लोग कहते हैं नाराज है, काहे के लिए नाराज है, उपेंद्र जी बता रहे थे नीतीश कुमार जी के प्रारंभिक शासनकाल, हम उस प्रारंभिक शासनकाल की बात नहीं कर रहे हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के लोक दल से हम और उपेंद्र जी साथ काम करते हैं, तो हम सब लोग मिलकर काम किए हैं। हम जब प्रदेश के अध्यक्ष थे उपेंद्र जी के साथ मिलकर हम लोग प्रदेश का संगठन चला रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक नंबर पार्टी तब बनेगी जब 2010 का जो हमारा मापदंड है उसको पार करके और रिकॉर्ड स्थापित करेंगे तब बनेगा। और हम सब लोग मिलके 2010 के रिकॉर्ड को पार करेंगे, जितना खून पसीना लगाना होगा हम लोग लगाने का काम। साथियों, कल मैंने देखा बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह था, ऊर्जा था, हम कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपने जो कल उत्साह और ऊर्जा दिखाया है उस उत्साह और ऊर्जा को 2024 और 2025 तक कायम रखिए और नीतीश जी का झंडा पूरे देश में बुलंद करने का काम करिए, यह हम आपसे आग्रह करते हैं। अध्यक्ष क्या होता है? अध्यक्ष को क्या काम, अध्यक्ष की ताकत तो और शक्ति तो आप हैं, जो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सैकड़ों समर्थक हैं, जो लोग हैं वो अध्यक्ष के हाथ गोड़ होते हैं और पार्टी का हाथ पैर होता है, इसलिए काम आपको करना है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम आप में उत्साह और ऊर्जा भरने का काम करें, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करने का काम करें, कार्यकर्ताओं को उचित हिस्सेदारी मिले इसको सुनिश्चित करें, और वो हम करते रहे। भाई उपेंद्र जी को मालूम है हम सब लोग कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका जो दायित्व है, उस हिस्सेदारी है जो उनका है उसको दिलाने का काम, समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर तबके को जोड़ना है, समाज के किसी भी तबके के प्रति नफरत नहीं पैदा करना, नीतीश कुमार जी का यही नारा है, जोड़िए समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम किया।
हमने कहा कि समता पार्टी के शासनकाल से प्रारंभ से 1994 से आज तक बहुत से समता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं, घर बैठ गए। हम एक एक जिला के एक एक साथियों को चिन्हित करेंगे, एक एक साथियों को चिन्हित करके और हर जिलावार सभी साथियों को पटना बुलाएंगे, उनसे विमर्श करेंगे, उनका परामर्श लेंगे। और बंद करवा न तो तुरे भाषण दिलवाने में शुरू कर दिया, बंद करिए। इसलिए सभी पुराने साथियों को सक्रिय करने का, और हम आह्वान करते हैं सभी पुराने साथियों को फिर से सक्रिय करिए, होइए, अपना योगदान दीजिए, अपना परामर्श दीजिए, और नई पीढ़ी के लोगों को, समाज के हर तबके के नई पीढ़ी के लोगों को, नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का काम करिए अपने साथ, और उसमें उन नौजवानों में उत्साह भरिए, ऊर्जा भरिए, उनको उत्साहित करिए और पार्टी का झंडा बुलंद कराइए। मैंने कहा समाज के हर तबका, कहीं से कोई नफरत मत पैदा कीजिए, कोई पसंदगी ना पसंदगी, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को नहीं चाहता है, इसको दरकिनार करें, किनारे हटाएं। पार्टी को मजबूत करने में एक एक साथी का योगदान होता है और एक एक साथी का महत्व होता है। हम किसी साथी को पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दरकिनार करें। अपनी पसंदगी नापसंदगी को, अपनी चाहत और बिना अनचाहा को दूर करने का काम करिए और पार्टी को संगठित करने का काम करिए, यह हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और अध्यक्ष के रूप में पहले भी भाई उपेंद्र जी हमारे साथ काम किए, उनको मालूम है जब तक सत्ता का और अध्यक्ष का अधिकार केंद्रित रहेगा तब तक साथियों में ऊर्जा नहीं होती। हम अपने सारे अधिकार को विकेंद्रित करेंगे, अपने कार्यकर्ता साथियों को तक पहुंचाएंगे, पदाधिकारी हैं सभी पार्टी के पदाधिकारियों को काम बांटेंगे। अभी पार्लियामेंट जब खत्म हो जाएगा तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे, एक एक पदाधिकारी को जिम्मेवारी देंगे और उनको पूरी आज़ादी देंगे काम करने का। लेकिन पूरी आज़ादी अगर काम करने का देंगे तो उनके काम का विश्लेषण भी करेंगे, उनके काम का विश्लेषण भी करेंगे, तो इसलिए पूरी आज़ादी मिलेगी। और उपेंद्र जी के बारे में क्या कहते हैं, उपेंद्र जी के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है, हमें और उपेंद्र जी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल के इस पार्टी को पहले भी चलाते रहे हैं और आगे भी चलाएं। तो इसलिए साथियों, मैंने जो कहना था आज प्रारंभ में वो मैंने कहा, कल कुछ बात मैंने कही थी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, और कार्यकर्ता जब उत्साहित हो जाएंगे तो हिमालय पर्वत को भी ढा के गिरा देंगे, इसका पूरा भरोसा हो गया। इसलिए कार्यकर्ताओं को उत्साह भरना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी का निर्वहन, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। अभी दो राज्य में है, बिहार में और अरुणाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त, दो राज्य में और जहां मान्यता प्राप्त हो गई तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो इसलिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दूसरे राज्यों के लिए हमारा लक्ष्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, उसको पूरा करेंगे। अभी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद मणिपुर के में चुनाव होना है, वहाँ के साथियों से हमने चर्चा की, उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ हमने चर्चा की। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम चर्चा करेंगे कि अगर उन राज्यों में भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव जीतेंगे। अरुणाचल में क्या हुआ, अरुणाचल में 15 सीट हम लोग लड़ा है पिछले विधानसभा के चुनाव, 15 उम्मीदवार हम लोगों ने दिया
और 7 उम्मीदवार 15 में से हम लोगों ने जीत हासिल की और इसलिए हमारी पार्टी को अरुणाचल में मान्यता दी। उसी तरह दूसरे राज्यों में भी चिन्हित करके हम लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा 2 और राज्य में मान्यता प्राप्त करना और फिर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना, ये हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है, उसको हम पूरा करने का काम करें। अब बाकी कार्यकर्ताओं को क्या करना है, कार्यकर्ता अगर उत्साहित हो जाए, उनमें ऊर्जा हो जाए, तो नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है 15 साल, उसी काम को, एक एक काम को अगर हम लोग गांव गांव तक पहुंचाएं, हम अभी चर्चा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से भी और लोगों से कि एक छोटा पुस्तक छपवा, उसमें हर विभाग का मुख्य मुख्य बिंदु जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों तक, उन सब पुस्तक के रूप में छपवाएं, छोटा बुकलेट के रूप में, और सभी कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दें, उसको एक बार पढ़ लीजिए और अगर उसी की चर्चा आप अगर करते रहिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश हर घर तक पहुंच जाएगा, हर दरवाजे तक। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी का काम, क्योंकि बिहार के लोगों ने तो देखा है ना क्या था 2005 के पहले बिहार में, क्या था, न सड़क थी, न बिजली था, बिजली का पोल तार गायब था, जहां तार था वहां लोग कपड़ा सुखाते थे इसलिए कि बिजली आना ही नहीं है, तो खाली तार अगर कहीं जरा मना बचा हुआ था तो उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे। तो बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था। आज क्या है बिहार की स्थिति, आप यहां से जरा चलिए, पार करिए, झारखंड जाइए, जैसी रजौली आप पार करिएगा आपको पता चल जाएगा कि हम झारखंड में प्रवेश कर गए, लेकिन बिहार तक जब आप रहिएगा तब तक सड़क आपको सुंदर मिलेगा। और एक सड़क नहीं, कई सड़कों को कई जगह से जोड़ दिया गया, सड़कों का जाल बिछा दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो प्रारंभ में ही 2005 में कहा था कि बिहार के किसी कोना से 6 घंटा के अंदर लोगों को पटना पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए। अब 6 घंटा में कहीं से जाइए, 6 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता, अब उन्होंने कहा 5 घंटा, 5 घंटा में कोई बिहार के किसी कोना से पटना 5 घंटे के अंदर पहुंच जाए, और उस पर काम हो रहा है। बिजली की क्या स्थिति थी, 650 मेगावाट बिजली मिल रही है, हर घर बिजली पहुंचा दिया भाई। 2015 में नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली की योजना चलाई, और हर घर बिजली 2018 के अक्टूबर तक उन्होंने हर घर में बिजली पहुंचा दिया। 2017 में दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन था सभी राज्यों के ऊर्जा विभाग के द्वारा, बिहार से भी हमारे साथी विजेंद्र प्रसाद यादव जी गए थे, उन्होंने जब प्रेजेंटेशन दिखाया तो भारत सरकार के मंत्री ने कहा कि अरे बिहार ये काम कर रहा है, और उसको उन्होंने राष्ट्रीय योजना बना दिया। तो बिहार का तो यही नीतीश कुमार जी का काम है कि नीतीश कुमार जी 2015 में जो काम उन्होंने किया वो 2017 में पूरे देश के लिए वो योजना लागू, ये काम है हमारे नेता का, ये सोच है हमारे नेता का। महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं का सशक्तिकरण उन्होंने किया, 50% 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो उसी समय 2006 में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का काम किया, और मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन में आरक्षण देने का काम किया। शायद जिस वर्ग की महिलाओं, सभी महिलाओं को, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया नीतीश कुमार जी, देश के किसी राज्य ने वो काम नहीं किया। तो हमारे नेता ने जो काम किया है वो नजीर है, पूरे देश भर में अन्य राज्यों के लिए नजीर है, अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। तो वैसे हमारे नेता को, हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी का जो काम है और नीतीश कुमार जी की जो सोच है विकसित बिहार बनाने की, उनके उस सोच को हम अगर घर घर तक पहुंचा देंगे तो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार जी हर घर में चर्चा हो जाएगा नीतीश कुमार जी का, और 2010 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग पार कर जाएंगे। तो आप सभी साथियों से यही आग्रह करेंगे कि अपने ऊर्जा को,
अपनी शक्ति को पूरे ताकत के साथ इस पार्टी को मजबूत करने में लगाएं, यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं और पुनः एक बार भगवान सिंह कुशवाहा जी को जनता दल यू परिवार में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस पार्टी को मजबूत करने में उनका पूरा समय व्यतीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ABP News, आपको रखे आगे।